नॉर्मल भी लिख लो साथ साथ, ये सर्कल है, सर्कल पर अगर अपने को टेंजेंट लाइन लिखनी है, ठीक, तो आपको क्या क्या दे रखा होगा, आपको एक तो सर्कल का इक्वेशन दे रखा होगा और आपको ये जो पॉइंट है ना इसके कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, क्या निकालना होगा, इस रेखा का इक्वेशन निकालना है। प्रॉब्लम को समझ लो पहले, सर्कल गिवन, पॉइंट ऑन सर्कल गिवन, सर्कल की इक्वेशन गिवन, पॉइंट ऑन सर्कल गिवन और डिटरमाइन क्या करना है, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन, ठीक है, बनाओ यहां तक। तो ऐसा करते हैं, सर्कल मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू ए वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और जो पॉइंट दे रखा है अपने को वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन, आंसर आता ही है ये, ठीक, ये आता आंसर, करो डिराइव करो भाई, ये ध्यान रखिएगा ये पॉइंट जो है ये सर्कल पर है, तो है तो फिर ये इसमें आप x1 y1 रख सकते हो ना, यानी कि ये कंडीशन भी अपने पास है, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c इज इक्वल टू जीरो, कर लिया। तो भी अपन ने ऐसा किया, ये है ना सर्कल का सेंटर लिखा माइनस g माइनस f, ठीक है, अब अपन तो जानते हैं कि भाई टेंजेंट और ये जो रेडियस है ये इनके बीच का एंगल 90 होता है, तो ये पॉइंट अगर गिवन है अपने को तो इस लाइन पे अपने को एक पॉइंट पता चल गया और इसका स्लोप पता चल गया, क्योंकि ये दो पॉइंट पता है ना, एक बार दिमाग में पहले ना फ्री बॉडी डायग्राम बना लो एक बार, है ना, ये दोनों पॉइंट पता है तो इस लाइन का स्लोप पता है, इस लाइन का स्लोप पता है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप पता है और इस पर एक पॉइंट पता है, तो पॉइंट पता है स्लोप पता है, खत्म आ जाएगा। अब चालू करते हैं, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन, और इसका स्लोप क्या आएगा, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करना है तो कितना आएगा, नेगेटिव एक्स वन प्लस जी अपॉन वाई वन प्लस एफ, क्लियर, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन का नेगेटिव रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल किया और नेगेटिव कर दिया, अभी उचका उचकी कर दो इसको, इधर उचका दो, है ना, तो y1 वन प्लस एफ, है ना, कितना आएगा y y1, y1 को इससे और y1 को इससे माइनस y1 स्क्वायर, अब f को इससे प्लस एफ वाई माइनस एफ वाई वन इज इक्वल टू इसको इससे, तो इधर ही ले आते हैं प्लस करके ले आते हैं, है ना, कितना आएगा x x1 और दिस इनटू दिस, तो कितना आएगा माइनस एक्स वन स्क्वायर, अब जी एक्स, है ना, तो प्लस का कितना आएगा जी एक्स और जी एक्स वन, है ना, तो माइनस जी एक्स वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स एक्स वन वाई वाई वन, है ना, ये तो आ गया अपना अचीव्ड, ठीक है, ये अचीव कर लिया अपन ने ये और ये टर्म, ठीक है, और भाई एक्स वन स्क्वायर और वाई वन स्क्वायर, है ना, एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ दिस, ठीक है, तो भाई x कहाँ लिखा है, x देखना, x यहाँ लिखा है, ठीक है, और y यहाँ लिखा है, एक x और एक x, ठीक है, x x1 प्लस y y1, ठीक है, और प्लस gx प्लस fy, gx fy इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, वो कितना आएगा माइनस ऑफ 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c, ठीक है, ये आएगा और कितना जाएगा f y1 और g x1 प्लस f y1 प्लस g x1, ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब आपका ये 2g x1 और g x1 कटेगा तो एक g x1 बच जाएगा, है ना, एक g x1 बच जाएगा, तो क्या आएगा जी एक्स इंटू जी इंटू एक्स प्लस एक्स वन, और यहाँ पर आपका एफ वाई वन
एक f y1 बच जाएगा जो लेफ्ट साइड आके कितना आएगा f इंटू वाई प्लस वाई वन, और एक आपका माइनस c आएगा वो लेफ्ट साइड आकर के c आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड। तो इस बात को आप याद कर लो है ना कि सर्कल में क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो x x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस कर दो y y1 से, और जहां जहां 2x दे रखा है उसकी जगह लिख दो x प्लस x1, जहां जहां 2y दे रखा है वहां पर लिख दो y प्लस y1। ये हम बात कर रहे हैं 2 डिग्री x की, ऐसा मत करना ये जो 2x है ना ऐसा दे रखा हो एक्स स्क्वायर करके है ना, फिर उसको ऐसे लिख लो x इंटू एक्स, ठीक है ऐसे लिख लो, फिर इसे x को लिख लो 1 बाई टू करके, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो चार भिन्न भिन्न टर्म आएंगी एक्स स्क्वायर का अलग वाई स्क्वायर का अलग, समझ में आ रहे ना, ये नेतागिरी मत कर देना एक्स स्क्वायर की जगह ही कर देना, ठीक है ना, कि इसको अलग लिखूंगा इसको अलग लिखूंगा, वो नहीं करना है, ठीक है ना। और कॉन्स्टेंट टर्म को अपने को छेड़ना नहीं है ना, कॉन्स्टेंट टर्म आपका वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हीरा है, हीरा, ठीक है इसे लिख लो है ना, हीरा, डायमंड्स आर फॉरएवर है ना, मतलब ये हर सर्कल में काम आएगा, सर्कल कोई सा भी हो, जनरल ही है ना, दिस इज जनरल। हाँ ये ऊपर नॉर्मल का इक्वेशन भी लिख लेते हैं हाथ हाथ। तो नॉर्मल तो बहुत सिंपल है ना, नॉर्मल तो कोई लिखता भी नहीं है, नॉर्मल तो क्या है एग्जामिनर आपको दे देगा, ये पॉइंट दे देगा भैया इस पॉइंट पर नॉर्मल बताओ। तो नॉर्मल लाइन सिंपली क्या होती है, ये वाली लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर, जो तो टू पॉइंट फॉर्म से आएगी है ना, लिख लो बस यहाँ पर ये लिख के छोड़ दो टू पॉइंट फॉर्म, बस हो गया, ठीक है ना, दो पॉइंट पता है अपने को एक लाइन पर, आगे लाइन का इक्वेशन, ठीक है बस ध्यान रखना सर्कल का नॉर्मल है ना डायमीटर होता है, सर्कल का नॉर्मल है ना डायमीटर होता है, ठीक है पता ही हो तो सबको।